डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को मालूम है कि इंट्रोडक्शन टू मैकेट्रॉनिक्स आप लोगों ने पढ़ी, जिसमें आपने अंडरस्टैंड किया मैकेट्रॉनिक्स को, फिर आपने मेजरमेंट सिस्टम को पढ़ा, फिर आपने मैकेट्रॉनिक सिस्टम को भी पढ़ा। अब जल्दी आप लोगों की पहली असाइनमेंट जो है वो भी मैं असाइन करने वाला हूँ, जिसकी ड्यू डेट 18 मई होगी। आज का जो टॉपिक है उसके हवाले से हम बात करेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को टॉपिक बता दिया है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स की इंट्रोडक्शन जो है वो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या है। मैकेट्रॉनिक्स जब हमने पढ़ी है और उसके मेजरमेंट सिस्टम को भी पढ़ा है, तो हमें ये पता चला है कि इसके अंदर मैकेट्रॉनिक्स मैकेट्रॉनिक्स और मेजरमेंट सिस्टम में हमें क्या क्या मिला। हमें बेसिकली चीजें जो मिली वो थी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स और कंपोनेंट्स। तो जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं और जो कंपोनेंट्स हैं, इन्हीं के बारे में तो बेसिकली हमें जानना होगा। अगर इन्हीं को जानेंगे तो फिर इसके बाद तो हम मैकेट्रॉनिक्स को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, द फंडामेंटल ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और फीड सर्किट आर इम्पोर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग एंड डिजाइनिंग all elements in the mechatronic system. तो अब हमने पढ़ना क्या है, हमने basically इसी की बुनियाद पढ़नी है, basic electrical components की और discrete circuits की जो है वो उसके बारे में पढ़ना है। क्योंकि जब हम इसको पढ़ेंगे तो तब हम बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं और डिजाइन कर सकते हैं तमाम mechatronics के systems के elements को। जब तक मैकेट्रॉनिक्स के सिस्टम के एलिमेंट्स को अगर हम नहीं समझ रहे होंगे, उसकी बुनियाद ही नहीं समझेंगे, तो हम किस तरीके से उसे कंबाइन कर सकते हैं। अब वो उसमें है क्या चीजें, स्पेशली जो है वो है डिस्क्रीट सर्किट। इसका काम है सिग्नल कंडीशनिंग और इंटरफेसिंग। यहाँ इस हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि सिग्नल कंडीशनिंग क्या होती है और डिस्क्रीट सर्किट क्या होता है, इसके बारे में मजीद तफसील हम आगे चलकर पढ़ेंगे। अभी इंट्रोडक्शन के हवाले से सिर्फ इतना बता दूं कि दरअसल ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये है रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, ट्रांजिस्टर्स और डायोड्स की कंपोनेंट्स की असेंबलिंग। किस पर? एक सर्किट बोर्ड पर। इसके बाद आ जाता है सिग्नल कंडीशनिंग, यानी सिग्नल की जो हालत है वो क्या होगी। सिग्नल कंडीशनिंग बेसिकली जो टर्मिनोलॉजी है उसका मतलब यह हुआ कि एक सिग्नल ने जब नेक्स्ट स्टेज पर जाना है तो उससे पहले उसे प्रिपेयर करना होता है, और वो प्रिपेयरिंग क्या है, वो एम्पलीफिकेशन है, उसे एम्पलीफाई करते हैं। और जब वो एम्पलीफाई हो जाती है तो फिर उसकी जो नेक्स्ट स्टेज है वो क्या है, वो डिजिटाइज है। मिसाल के तौर पर एक थर्मोकपल के सिग्नल जो है ना वो बहुत स्मॉल वोल्टेज के होते हैं, तो उसको इस तरीके से एम्पलीफाई किया जाता है डिजिटाइज करने के लिए, ताकि वो अपना सही तौर पर काम कर सके। फिर आ जाता है हमारे पास अगली चीज आ जाती है क्या, इंटरफेसिंग। इंटरफेसिंग जो है वो सिग्नल इंटरफेसिंग से मुराद क्या हो गया, ये बेसिकली एक फिजिकल हार्डवेयर है। फिजिकल हार्डवेयर जहां पर जो के सिग्नल को रिसीव करेगा, वो सिग्नल जो है वो कोई सा भी सिग्नल हो सकता है जिसे वो रिसीव करेगा। तो ये एक किस्म का हार्डवेयर ही है, सिंपल हार्डवेयर है। इंटरफेस होता ही है, इंटरफेस बेसिकली होती है वो बाउंड्री कहते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ अपना एक्सचेंज करते हैं। अब सिस्टम एक्सचेंज करें या सिग्नल एक्सचेंज करें, तो इस तरीके से आप लोग इस मटीरियल को जो है ना वो यहाँ तक मौजूद है, इसको पढ़ लीजिएगा। इस सिलसिले में कोई बातचीत हो तो, क्वेश्चनिंग हो तो आप स्ट्रीम पर जो है ना वो लिख सकते हैं। अभी टॉपिक के बाद भी मैं आपसे पूछूंगा। अगला है आपका फंडामेंटल ऑफ डिजाइन एंड एनालिसिस टेक्निक। फंडामेंटल ऑफ डिजाइन एंड एनालिसिस टेक्निक जो है उसको हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें शामिल है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि मैकेट्रॉनिक जो सिस्टम है वो किस पर मुश्तमिल है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और सर्किट्स पर। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसकी प्रैक्टिकल
नॉलेज को गेन करें कि भाई प्रैक्टिकली तौर पर हम इसके फंडामेंटल चीजें या इसकी बुनियादी तौर पर मौजूद इस्तेमाल होने वाली जो भी इसमें चीजें हैं उन सब को हम समझ लें, तो इस तरीके से हमारे लिए डिजाइन और एनालाइज करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर मैंने करंट करंट को देखना है तो पहले तो मैं समझू करंट है क्या, फिर करंट कहाँ कहाँ से गुजरेगा और करंट क्या काम करेगा। जब तक मैं इन बातों को नहीं समझूंगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसी तरह से यहाँ पर हम इसको पढ़ते हुए इस वक्त देख रहे हैं बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और सर्किट्स, जो कि जब सबसे बड़ी बेसिक चीज क्या है इसकी, वो है वोल्टेज। आप सब लोग तकरीबन वोल्टेज से वाकिफ तो हैं। वोल्टेज होता क्या है? वोल्टेज अगर मैं ये कहूं कि किसी भी फील्ड में एक वेरिएबल है दो पॉइंट्स के, या इसको मैं इस तरीके से भी कह सकता हूं कि ये इलेक्ट्रिकल फील्ड में वोल्टेज दरअसल मेजरमेंट है। इसको और आसान तरीके से समझने के लिए हम ये समझ लें कि हम यहाँ दुनिया में रहते हैं, तो इस दुनिया में रहते वक्त हमें जमीन अपनी तरफ खींचती है। अब जमीन जब हमें खींचती है तो ये उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड हो गई। इस ग्रेविटेशनल फील्ड में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी पोजीशन के लिहाज से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है। जो जो अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को उठा लेता हूँ तो उसको जितना ऊपर मैं उठा लेता हूँ तो उसकी हाइट की वजह से उसके अंदर एक सलाहियत पैदा हो जाती है, काम करने की सलाहियत, जिस वजह से उस इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है, सेम लाइक दैट कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट के ऊपर जो भी उसकी पोटेंशियल है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। वोल्टेज को हम समटाइम्स में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की बात आ जाती है अगले हाथ पर, इलेक्ट्रॉन्स की बात आ जाती है। अब इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या? जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम नापते एम्पेयर से नापते हैं। करंट बेसिकली है क्या? टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है और हम इसके इसी एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन से बहुत ही यूजफुल काम ले सकते हैं। ये घूमते क्यों हैं? ये मूव क्यों होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, आखिर मूव होते क्यों हैं? इसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि हम इन पर इम्पोज करते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड, और इन इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से फिर क्या करते हैं, इनके अंदर जो एनर्जी मौजूद है वो काम पे लग जाती है। मैं इलेक्ट्रॉन्स को तो ये समझता हूँ कि जैसे वो थे आवारा घूम रहे थे इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर उधर से उधर, रेंडमली उनके वर्क था, तो उनके वर्क को एक खास डायरेक्शन दी गई और इस तरीके से जो है क्या नाम है हमें मिल गया करंट। फिर इसकी एक और टॉपिक जो आ जाता है जो अहम है जिसको यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है वो है सर्किट। सर्किट क्या चीज है? सर्किट बेसिकली एक पाथ है या वो लाइन है जिसमें से इलेक्ट्रिकल करंट ने बहना है या फ्लो होना है। इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज लूप होता है जिसमें कई कंडक्टर्स जो है ना पर ये मुश्तमिल होता है और इसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो हैं वो भी कनेक्ट होते हैं। इसके अलावा इस अगला जो है वो है स्विच। स्विच क्या चीज़ है? एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो के डिसकनेक्ट करता है या कनेक्ट करता है कंडक्टिंग पाथ को कौन सी इलेक्ट्रिकल सर्किट की, जिसके बारे में अभी हमने जिक्र किया था। और इसका स्विच का वर्किंग प्रिंसिपल है क्या? स्विच का वर्किंग प्रिंसिपल है ऑन ऑफ मैकेनिज्म। फिर आ जाता है इसमें लोड। लोड क्या है? लोड कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ सर्किट्स एलिमेंट दे दैट में डिसिपेट और स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लोड बेसिकली वो है जो स्टोर
इलेक्ट्रिकल एनर्जी करते हैं या खारिज करते हैं उनको क्या कहते हैं, लोड। ग्राउंड क्या है? ग्राउंड बेसिकली इंडिकेट करता है एक रेफरेंस पॉइंट को किसी सर्किट में, सर्किट के अंदर एक रेफरेंस पॉइंट को इंडिकेट करता है कि जहां पर उसका वोल्टेज जो है ना वो जीरो फर्ज किया जाता है। नेक्स्ट चीज है मेजरमेंट। हम करंट को मेजर करते हैं सर्किट में एक मीटर लगाकर, और जब वो उसमें से जैसे ही करंट उसमें से गुजरता है तो वो मेजर हो जाता है। इस तरीके से हम वोल्टेज को भी लगाते हैं, मेजर करते हैं हम दो प्रोब्स लगाकर किसी पॉइंट पर। तो ये वो टॉपिक्स थे कि जो आप लोगों के लिए यहाँ पर जरूरी थे, जो मैंने दिए हैं। इसके जरिए आप बेसिकली समझ सकते हैं ये सारी चीजों को कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के अभी मजीद तफसील हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आज तक के टॉपिक के लिए हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का सिर्फ और सिर्फ यही यहाँ तक हमने बताना था कि इसकी बेसिक्स क्या है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, यानी उसके फंडामेंटल्स क्या है। फिर हम फर्दन इन सभी चीजों को अलग-अलग पढ़ेंगे कि हम ये पढ़ेंगे कि जिसके बारे में अभी जैसे मैंने यहाँ पर बताया था, तो हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे कि ये रेजिस्टर्स क्या है, कैपेसिटर्स क्या है, ट्रांजिस्टर्स क्या है, डायोड क्या है, ये किसी सर्किट में तो लगते हैं तो कैसे लगते हैं, माइक्रो प्रोसेसर है तो क्या है, किस तरीके से इनका काम होता है। तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता होते 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 आप जो है वो इस काबिल हो जाएंगे कि आप बजाते खुद जो है वो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को समझते हुए किसी भी मैकेनिज्म को बनाने में आप फिट हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप ये कहें कि सर जी क्या हम रोबोट बना सकते हैं, जी हाँ आप अल्हम्दुलिल्लाह आप रोबोट भी बनाने के काबिल हो जाएंगे, रोबोट बना सकते हैं। और इसके अलावा जो है क्या नाम है, जितनी सारी डिवाइसेस यहाँ मौजूद हैं, जब आप इसे पढ़ते चले जाएंगे तो ये इसके जरिए आपको पता चलता चला जाएगा कि जी इनका असल में है क्या। जैसे हमने बेसिक कंपोनेंट्स पढ़े थे तो वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। जैसे कि मैंने अभी उसका उसके ऊपर एक असाइनमेंट आप लोगों को दिया है सेंसर पर, नेक्स्ट में जो है वो आपको एक्चुएटर पे दूंगा। तो इस तरीके से सेंसर के मैकेनिज्म को भी आप समझेंगे, एक्चुएटर के भी मैकेनिज्म को समझेंगे, तो आपको पता ही है कि ये सारी चीजें अपनी अलग अलग शेप में होगी। फिर हम उसके बाद एक्टुएटर्स की टाइप्स को देख लेंगे कि वो क्या क्या हैं, कौन कौन सी हैं, किस तरीके से इस्तेमाल होती हैं। तो इस तरीके से आपको काफी हद तक मदद मिलेगी। और अब आप जो आगे चलकर आप पढ़ रहे हैं मेरे पास माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, तो माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में भी ये कंपोनेंट इस्तेमाल हो रहे होंगे, लेकिन जरा इनकी फॉर्म अलग होगी। मिसाल के तौर पर वहां मिक्सर होगा, तो मिक्सर किस तरीके से काम कर रहा है, कैसे हो रहा है, तो मगर उनमें ये बुनियादी चीजें तो यही मौजूद होंगी। इन्हीं बुनियादी चीजों को देखते हुए ही हम जो है उस सारे सिस्टम को अंडरस्टैंड करेंगे। तो ना सिर्फ ये आपको इंट्रोडक्शन टू मैकेट्रॉनिक्स में फायदा देगा, बल्कि ये आपके और भी आने वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी फायदा देगा। और बजाते खुद आप खुद इस काबिल हो जाएंगे कि आप एक जो है वो बना सकते हैं कोई भी सिस्टम। तो क्या अभी इससे अगर अभी हम होते रियल लाइफ में हम पढ़ा रहे होते तो मैं आप लोगों को फिर समझाता, मजीद चीजें भी दिखाता मैं आपको कि किस तरीके से हो सकती है कि हम कर सकते हैं। अभी तो आप लोगों को नोट्स ही नजर आ रहे हैं ना, फिलहाल तो मेरे अभी आपको नोट्स ही नजर आ रहे होंगे। तो अब जो अगर रियल लाइफ में हम कुछ बना सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, तो वो भी हम आपको मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो हम अगर हम बैठे होते तो मैं आपको बताता कि हम कैसे काम कर सकते हैं। मैं आपको शेयर करने लगा हूँ अब दूसरी और चीज तो वो आपको जो है वो फिलहाल जो है नजर आ जाएगी। मैंने यहाँ से शेयर करना है दूसरे करता हूँ जी ये देखें ये अब आपको इंशाल्लाह नजर आ जाएगी। ये चीज शेयर की है मैंने आपसे, ये देख सकते हैं आप कि ये अगर हम वहां पर क्लास में होते तो मैं ये सारी चीजें आपसे मंगवा लेता और हम ये बैठकर काम करके देखते कि मैकेट्रॉनिक्स के स्ट्रक्चर में ये सारी चीजें मौजूद हैं। ये किस तरीके से कीपैड लगना है, किस तरीके से कीपैड डिकोडर है, ये स्लेव ये पिक माइक्रो कंट्रोलर हमारा है, पिक एनकोडर काउंटर, ये LCD लगाई हुई है, और ये हमारी DC मोटर मौजूद है, और ये H ब्रिज हमारे पास मौजूद है। तो हम किस तरीके से क्या बना सकते थे, DC मोटर पोजीशन और स्पीड कंट्रोलर जो है ना ये बन जाता हमारा। तो इसको हम इजीली बना सकते हैं और ये इतना ज्यादा महंगा भी नहीं होता, ये ब्रेड बोर्ड पर इजीली बनाया जा सकता है। तो अगर आप ये चीजें
करने के काबिल हो जाएंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता हो सकता नहीं हो सकता कर सकते हैं। मैं अलबत्ता इस कमी को दूर करने के लिए क्या करूंगा, मैं इस कमी को दूर करने के लिए करूंगा ये कि एक वीडियो जो है ना वो भी अपलोड कर दूंगा आप लोगों को, और जो मेरे पास सामान अवेलेबल है उसको मैं बजाते खुद भी अपनी एक वीडियो बनाकर उसके अंदर आपको शेयर करूंगा कि जी ये देखें किस तरीके से मैं ब्रेड बोर्ड पर लगा रहा हूँ और ये क्या क्या चीजें मौजूद है तो वो किस तरीके से काम कर रही है, ठीक है ना। मगर अभी इसी स्टेज पर आप फिलहाल इतनी स्टेज पर ये नहीं कर सकते, मैं सिर्फ ब्रेड बोर्ड और ये सब चीज लगा के दिखाता दूसरा काम कर देता, क्योंकि पिक की प्रोग्रामिंग आपको अभी नहीं आती। अभी इंशाल्लाह आप आगे चलकर पिक की प्रोग्रामिंग भी पढ़ेंगे, और हम पिक की प्रोग्रामिंग के लिए पहले तो हम ये देखेंगे कि कौन सी प्रोग्रामिंग सूटेबल है, और इसके बाद जो है ना आप लोगों ने पढ़ी हुई है सी, तो इंशाल्लाह कोशिश यही होगी मेरी कि मैं आपको सी और असेंबली दोनों का ही टच जो है ना वो दूंगा, ताकि इंडस्ट्रीज में आप इन दोनों ही लैंग्वेजेस को इस्तेमाल कर सकें। कोई सवाल अब इस सिलसिले में? सर वो ग्राउंड का आपने बताया था, सर ग्राउंड के बारे में थोड़ी सी बताइएगा कि ग्राउंड बेसिकली क्या चीज है। अच्छा ग्राउंड के बारे में, ग्राउंड में बताता हूँ आपको कि ग्राउंड और न्यूट्रल को जरा थोड़ा सा डिफरेंशिएट कीजिएगा, न्यूट्रल को और ग्राउंड को दोनों में फर्क क्या है। ठीक है मैं अभी ये इसको जो है ना आपको शेयर करता हूँ, इससे पहले हम